लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई यूथ कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव प्रक्रिया तेज हो गई है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीआरओ मुकुल गुप्ता और जिला अध्यक्ष सुबिन बाबू थॉमस ने बताया कि देश भर में यूथ कांग्रेस नई कार्यकारिणी के गठन के लिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया चला रही है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी युवक मेंबरशिप और फीस भरकर यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी के किसी भी पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई यूथ कांग्रेस की नई जिला कार्यकारिणी के लिए चुनाव प्रक्रिया गर्मा गई है। आज जेडारो मुकुल गुप्ता की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष सुबिन बाबू थॉमस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी सांसद राहुल गांधी के मार्गदर्शन में अब की बार यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी का चुनाव ऑनलाइन पद्धति से हो रहा है, जिसमें 18 से 35 साल का कोई भी युवक मेंबरशिप लेकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या किसी अन्य पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। जेडारो मुकुल गुप्ता ने बताया कि नई प्रक्रिया का मकसद लोकतांत्रिक तरीके से यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों का चुनाव कराना और युवाओं को पार्टी से जोड़ना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे यूथ कांग्रेस में नए युवा जुड़ेंगे और संगठन और मजबूत होगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। हमारा जो युवा कांग्रेस का सदस्यता अभियान है वो 12 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक चलेगा, जिसकी प्रक्रिया में अभी शुरुआत में हम जो है इसमें नॉमिनेशन लेंगे अपने सभी युवा साथियों का जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिला का, स्टेट का या असेंबली का। तो उसके लिए हमने 27 अक्टूबर से लेके और 1 नवंबर तक का समय दिया है उन्हें नॉमिनेशन फिलअप करने का, और उसके बाद हम 28 तारीख से लेकर 2 तारीख तक इसमें ऑब्जेक्शन लेंगे। इसमें कोई भी ओपन फॉर ऑल चुनाव है, इसमें कोई भी युवा जो है 18 से 35 साल का युवा भाग ले सकता है, चुनाव लड़ सकता है और सदस्य भी बन सकता है भारतीय युवा कांग्रेस का। और इसमें जो है हमारा जो कमेटियाँ बनेंगी उसमें हमने हर तरह का जनरल सेक्टर्स पे रिजर्वेशन दिया है, महिला के लिए, हैंडीकैप के लिए, SC ST के लिए। तो हर तरह के लोगों को हमने इसमें चाहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के थ्रू हम सबको इसमें भागीदार बनाएं, और जो ये चुनाव प्रक्रिया और सदस्यता अभियान है इसको महाराष्ट्र में अगले 1 से 1.5 महीना में हम इसको कंप्लीट करके यहाँ पर जो है नई जो है कार्यकारिणी आपको 1-1.5 महीने के अंदर महाराष्ट्र में दे देंगे। स्पेसिफिक तरीके से होने वाला है, कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक होगा और ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन वोटिंग इटसेल्फ सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि एक आदमी, एक मोबाइल नंबर, एक आधार कार्ड और एक वोट और एक पोस्ट। जो आदमी का मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर से उनको OTP के द्वारा उनका वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद में वो आधार कार्ड उसमें अपलोड किया जाएगा जिसमें उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ रहेगा। 5 सेकंड का वीडियो होगा जिसमें कि हमें पता चलेगा कि जो मेंबर है वो ओरिजिनल वो मेंबर ही है, जिसमें कि क्रॉस वोटिंग या गलत वोटिंग का चांसेस निकल जाता है। सेकंड वेरिफिकेशन के लिए ये जो नया वीडियो का जो ये है वो ये इलेक्शन से महाराष्ट्र में पहली बार देखा जाएगा यूथ कांग्रेस के। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष मृणाल मानधने, महासचिव सुदर्शन सावंत, सचिव अश्विन भोर समेत तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।